गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का ब्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे. आज वाकई गुड मॉर्निंग है. 9:40 हो चुके हैं वैसे तो, पर आज मैं जल्दी ही तैयार हो चुकी हूँ. हिम्मत का स्कूल शुरू हो गया था 8:30 पे, और हिम्मत अपने स्कूल के काम से बिजी है. और बिकेज मैं 16 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ, तो मुझे भी किचन में कोई काम नहीं था, कुक नहीं करना था, खाना नहीं था, और मैंने चाय भी नहीं पी. यूजली मैं अंडर 50 कैलोरीज की चाय पी लेती हूँ, लाइक ग्रीन टी पी लेती हूँ या फिर बिना शुगर एंड जस्ट स्प्लैश ऑफ मिल्क की चाय पी लेती हूँ. पर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, आज बाद में ही चाय पियेंगे. अब मुझे काफ़ी भूख भी लग रही है वैसे. कल वाला मील हमने खाया था 6 बजे, और अब बज रहे हैं 9:40. सो ऑलरेडी 16 आवर्स होने ही वाले हैं, 20 मिनट्स रह गए, तब तक मैं कुछ कुक करती हूँ. हिम्मत बिजी है अपनी क्लास में, पर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है. मैं सोच रही हूँ कि उसको हेडफोन दे के आऊँ, ताकि वो उसकी जो नॉइज़ है कम हो जाए. बाय स्वीटी. ओके, हिम्मत की नॉइज से कट हुई. सो हिम्मत का शोर तो थोड़ा कम हो गया, अब खाना प्रिपेयर करते हैं. सो हम बनाएंगे एक ब्राउन ब्रेड का टोस्ट और चाय. यहाँ पे टेबल क्यों है मुझे पता नहीं, हिम्मत लेके आया होगा पक्का कुछ उतारने के लिए. ऑल राइट, ओ तवा पहले रख दिया मैंने, टोस्ट पहले बन जाएगा, चाय बाद में बनेगी. मेट इम्पॉर्टेंस वाली चाय फिनिश हो गई है चाय का. Take my hand and hold it tight. Look at the painting. So yeah, ready ho raha hai. Isme hum khub sare herbs dalenge chai mein. Don't stop looking in my eyes. Are you? चाय कप में डाल ली और चाय की शक्ल ऐसी लग रही है, और शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती. सो जब मैं चाय को ऐसे डाल लूँ और शक्ल ऐसी हो, तो मैं फिर दोबारा से डालती हूँ कप में, ताकि वो मुझे खूबसूरत लगे. अगर आप भी ऐसे करते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. मुझे चाय की शक्ल ऐसी दिखनी चाहिए. क्या आपको भी ऐसे है या सिर्फ मुझे ही है? मैं अपनी वैसी शक्ल वाली चाय हस्बैंड को भी नहीं देती हूँ, खुद भी नहीं पी पाती हूँ. अब दिस इज़ नाइट, लाइक फ्रॉथ होनी चाहिए ऊपर, आई डोंट नो व्हाई. That's weird. All right, दोस्तों, मेरी अच्छी शक्ल वाली चाय एंड टोस्ट तैयार हो चुका है, उत्तरी गर्म है. Okay, मेरी अच्छी दिखने वाली चाय एंड टोस्ट तैयार हो चुका है. एंड सो ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट. और मुझे कुकीज़ खाना अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट नो वाई. एक्चुअली मुझे नमकीन खाना भी अच्छा नहीं लगता है. मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे कभी भुजिया या ऐसे कोई नमकीन चीज़ें खाते देखा होगा, ना ही मैंने कभी कहा होगा कि ये बिस्किट खा रही हूँ मैं. सो दैट्स वियर्ड अबाउट मी, पर मैं भुजिया बिस्किट कभी नहीं खाती हूँ. लाइक एक आधा चम्मच खा सकती हूँ, पर ऐसे मैं शौकीन नहीं हूँ. और
हिम्मत को राइस बहुत अच्छे लगते हैं. कल मैंने राइस कुक किए थे डिनर में, राइस एंड ब्लैक चने, और वो मुझे कह रहा है कि मैं राइस ही खाऊंगा. और 10:30 हुए हैं, लाइक ये उसकी पहली ब्रेक है, और वो पहली ब्रेक में ही मील खा लेता है और दूसरी ब्रेक में भी खा लेता है जब उसका मन करे तो. सो मैं उसको राइस एंड वाइट ब्लैक चने दे रही हूँ. ऑलराइट, सो ये ड्रेस मैंने ली थी वीडियो बनाने के लिए कि एक ड्रेस को आप 5-6 तरीके से कैसे पहन सकते हैं, क्योंकि जो मैं ड्रेसेस पहनती हूँ मोस्टली लॉन्ग लेंथ वाली, नीज के नीचे होनी चाहिए. आई डोंट नो क्यों, पर मुझे अच्छी लगती हैं. तो मैंने ये ली थी, इसकी लेंथ मुझे अच्छी लगी और मज़ेदार लगा, और मैंने वीडियो बनाने की कोशिश भी की थी. मैंने वीडियो बनाई भी थी पर वीडियो का एंड प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा. सो वो कभी भी लाइव नहीं गई, डिलीट कर दी मैंने. सो आज मैंने सोचा कि ये पहन ही लेती हूँ अपने लिए. और इसका फैब्रिक मुझे अच्छा नहीं लगा मैन, ये लाइक चुभन वाला फैब्रिक है, और अब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कपड़े चेंज कर लूँ. कई दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि तुमने सिर नहीं बोला, सर बोल दिया, ऐसे यू नो मेरी हिंदी एंड पंजाबी में गलतियाँ निकालते हैं. तो मैं उनको बताना चाहूँगी, मुझे पता है कि क्या बोलते हैं. लाइक मुझे हिंदी बोलनी आती है अच्छी तरह, पर ये मेरा स्टाइल है. मुझे लगता है कि फ़नी लगता है जब मैं ऐसे बोलती हूँ, तो यू नो मज़ेदार लगता है मुझे. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं गलत बोल रही हूँ, पर मैं जानबूझ के बोल रही हूँ वैसे ही. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. और अब हिम्मत की ब्रेक है, वो खा लेगा, और मैं बहुत सारे काम करना चाहती हूँ. हेलो दोस्तों, सो कपड़े चेंज करने के बारे में मेरा विचार कुछ समय पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया जब लॉकडाउन चल रहा था. अभी भी लॉकडाउन चल रहा है. कुछ अपने बारे में मैंने बहुत पढ़ा. पढ़ के मैं कमली होगी दोस्तों. सो मुझे पता चला कि मेरा जो सबसे ज़्यादा लकी कलर है वो है ब्लैक. कि जब मैं ब्लैक पहनूंगी मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा. सो अब मुझे और बहाना मिल गया ब्लैक कपड़े पहनने का. फॉर्चुनेटली मेरी क्लोजेट काली है. तो अब अगर कोई दोस्त कहेंगे कि तुम हमेशा काला क्यों पहनते हो, देयर यू गो, दैट्स माई कलर, दैट्स माई सोल कलर. ओके, दैट्स वाई कि यू नो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के कुछ चीज़ें बहुत हैरानी वाली लगी, कि उस पर कई चीज़ें ऐसी लिखी थी जो मैं बहुत रिलेट कर पाती थी. लाइक मुझे ओशन से बहुत डर लगता है, लाइक पानी से बहुत डर लगता है मुझे. मुझे स्विम करना आता है अच्छा वाला, पर फिर भी मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है. लाइक मुझे लगता है कि मैं डूब जाऊंगी, या मुझे लगता है कि मेरी जो मौत है वो पानी में होगी या पानी में हुई थी. मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि मेरी जो मौत है पानी में हुई होगी पास्ट में, या पता नहीं ऐसा कुछ है. मुझे बहुत डर लगता है पानी से, सुनामी से मुझे बहुत डर लगता है. ऐसा लगता है कि मैंने वो फील किया है, आई डोंट नो व्हाई. सो या वो एस्ट्रोलॉजी वाले में ये भी लिखा था कि मुझे पानी से बहुत डर लगता होगा, स्पेशली सी ओशन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता होगा. वो एक्चुअली सच है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है. सो मैं हिम्मत को एक बार देख के आती हूँ कि उसका मील कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उसकी ब्रेक फिनिश हो जाएगी फिर. तो उसको ज़बरदस्ती फीड करना पड़ेगा पुश करके, तो मैं करती हूँ. और यार एक और प्रॉब्लम हो गई है, ये जो मेरा कैमरा है ना, ये चलते चलते बंद हो जाता है. पता नहीं ख़राब हो रहा है ये, क्या हो रहा है, और मुझे लगता है मुझे नए कैमरे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जल्दी. ऑलराइट दोस्तों, तो मेरे पास है एक अपडेट. मैंने नया कैमरा ऑलरेडी ले लिया है, और ये वीडियो जो है पुरानी है. इस बेचारी पास्ट वाली से मार को पता नहीं है कि इसके पास नया कैमरा ऑलरेडी आ चुका है. सो या दैट्स अपडेट, दैट्स सैड. इसे खिलाते हैं हम लोग. आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा सनी दिन है. आई थिंक लास्ट वीक कुछ ऐसे दिन आए थे जब चिली हो गया था, पर फिर से वार्म हो गया है. तो हर दिन हमारी कोशिश होती है कि हम पार्क में जाएं. मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि हम लोग हमारी शाम वाली चाय पार्क में जाके पीते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हम लुत्फ़ उठाना चाहते हैं ये प्यारे मौसम का. बुग्गी बुग्गी बुग्गी. ऑलराइट दोस्तों, जो हमारी विंडोज़ है लिविंग रूम में और बैक डोर है, वो बहुत ज़्यादा गंदा है, और बहुत समय हो गया कि मैंने क्लीन नहीं किया. मैं सोच रही हूँ कि अभी क्लीन कर लूँ, क्योंकि आज थोड़ा वार्म दिन है, अदरवाइज़ फिर ठंड हो जाएगी, फिर मुझसे होगा नहीं. सो जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं. मैं करूँगी इससे एंड वाइपर से, इतना क्लीन नहीं लग रहा है, इसे क्लीन कर लेते हैं. सो इसको क्लीन करने के बाद मैंने इस पर लगा लिया है डिश सोप. अब इससे हम वाइप कर देंगे. पानी वाली पाइप का जो हेड है वो मुझे मिला नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया. पानी लेके आई हूँ मैं एक बार से. अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा.
कपड़े गिल्ले हो गए मेरे क्योंकि वो हेड नहीं था मेरे पास, बाहर से क्लीन हो गया, अब अंदर से क्लीन करेंगे वाइप के साथ क्योंकि यहाँ पे हिम्मत बहुत ज़्यादा हाथ चिपका देता है, और इस साइड पे भी करेंगे देन ये नाइस एंड शाइनी हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि ग्लास है ही नहीं, और वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शाइन भी लग रही होंगी, अब मैं जा रही हूँ आउटसाइड क्योंकि आउटसाइड भी दो चार विंडोज है जिसको मैं क्लीन करना चाहती हूँ, और ये झाड़ू इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ जाले दिखे हैं बाहर, उनको क्लीन करूँगी मैं। आई विल बी बैक 5 मिनट्स में या ऑल राइट। दोस्तों मेरे पास तो ग्लास क्लीनर नहीं है, और जो मेरा होममेड क्लीनर था उसने लाइंस बना दी जिसकी वजह से मुझे और मेहनत करनी पड़ी, पर फाइनली ग्लास हो गया है चमकदार। और अब मैं कुछ खाने वाली हूँ, पहले मैंने एक टोस्ट एंड चाय पी थी 9:56 पे, और अब मैं कुछ खा लूँगी, थोड़ा सा शायद थोड़े राइस एंड चने एंड सैलड खा लेती हूँ, सो देन कोई काम करूँगी क्योंकि अदरवाइज फिर मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है। No one knows I'm acting every time they're asking, make them believe that it's all good. All right, so मैं खाने वाली हूँ, ये है मेरा पहला मील, चने हैं, थोड़े से राइस हैं, आप देख ले क्वांटिटी थोड़ी कम ही है, और इसकी क्वांटिटी मुझे लगता है ज़्यादा है, इसमें है क्यूकम्बर, टोमेटो एंड एवोकाडो और थोड़े से पत्ते एंड लाइम। अब मैं खाऊँगी, इससे मैं बहुत ज़्यादा फुल हो जाऊँगी सारा फिनिश करके, शायद मेरा चेहरा बहुत शाइनी लग रहा है क्योंकि मुझे पसीना आ गया काम करके के, प्लानिंग नहीं थी मेरी ये क्लीनिंग करने की, पर मैंने देखा कि वार्म है तो कर लेते हैं, सो या अब मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से। एंड अब समय हुआ है 11:56, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, सो इसे हम लेके चलते हैं लंच, एक लंच खाएंगे हम, ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ टोस्ट खाया था, लंच खाएंगे एंड 6 बजे तक हम डिनर भी कर लेंगे, एंड इस उल्टी पुल्टी जगह पे बैठ के खाने खाने का मज़ा ही कुछ और है। आप बताना मुझे, आप अगर डाइनिंग टेबल है आपके घर में फिर भी आप सोफे पे बैठ के खाते हैं तो, नहीं कई बार मैं वहाँ पे भी खा लेती हूँ। हिम्मत की दूसरी लंच ब्रेक होने वाली है, उसके लिए भी कुछ कुक करना पड़ेगा। This is wrong, so why do we carry this on in the air? Probably won't stay friends. We both try to keep our distance, but feelings will never listen. No, oh, oh, what do I fool myself? This could be something. Okay, दोस्तों तो मैंने खाना खा लिया है, सैलड मैंने सारा फिनिश कर लिया, पर ये राइस मुझसे फिनिश नहीं हो रहे, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और मैं खाऊंगी नहीं, और अब हम पानी पियेंगे और ऑलराइट लेट्स गो। सो दिस इज द टाइम फॉर डिलीशियस ऑरेंजी स्नैक, ठंडे ठंडे मज़ेदार ऑरेंज। ऑल राइट, सम रीज़न्स की वजह से, आई डोंट नो वो रीज़न्स क्या है, मुझे भूख नहीं लगी थी डिनर के समय, पर मैंने सोचा कि कुछ तो खा लेते हैं 6 के पहले, तो मैंने ये मिस्सी रोटी है, इसमें है दाल, मेथी के पत्ते एंड मेनली वही है, उसकी रोटी खाई है, उसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलड खा लिया। पर सो वैसे मैंने इस रोटी के ऊपर कुछ नहीं लगाया है, समटाइम मैं देसी घी या वाइट मक्खन लगा लेती हूँ, पर आज मेरा लगाने के लिए मन नहीं था क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी थी। सो यार ये मैंने डिनर किया है, दैट्स इट। उसके बाद कुछ देर बाद मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ अगर मेरा कुछ पीने के लिए मन करे, नहीं तो नहीं। सो यही है कि मैंने क्या क्या खाया है, और यह आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर लें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, और बिल्कुल मत भूलें, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, ईजी। बाय लालू।